नमस्कार दोस्तों, टेंट मार्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि देख सकते मेरे पीछे कमल जयमाला स्टेज खड़ी है। अभी जस्ट इसका पेंट हुआ था। मैं हर वीडियो में अपना इस कमल जयमाला स्टेज के रिलेटेड पूरा इसका डिस्क्राइब करता हूँ, तो इसको दोबारा बताना चाहूँगा। जैसे कि जिसके नीचे का जो बेस रहता है अपना एंगल का है, ऊपर की जो फ्रेमिंग है वो भी प्रॉपर पूरी एंगल की बनी हुई है। अब चलिए अंदर इसकी मशीन की बात करते हैं। ये अपना चक्रा है, जो इसका प्लेटफॉर्म है अपना 5 फीट का रहता है। और जैसे कि देख सकते हैं अभी इसमें मोटर की फिटिंग नहीं हुई है, नीचे इसका गियर लगा हुआ है, यानी कि लिफ्ट सिस्टम पे है मोटर, और अपना रिवॉल्विंग के लिए इसमें गियर लगा हुआ है। बाकी जैसे कि हाइट वाइज मैंने आपको बता दिया है, इसमें टोटल 27 पत्ते लगते हैं। अपने 21 पत्ते छोटे वाले और 6 बड़े वाले लगते हैं। मैं आपको पूरा बताना चाहूँगा इसका। जैसे कि आपने मैंने अभी आपको बेस बता दिया था, 8 पिलर लगते हैं इसमें जो अभी अपने सपोर्ट के लिए करें। और जैसे कि छोटे पत्ते हैं जो अपने साइड में आते हैं, ये अपने छोटे पत्ते इस तरह के रहते हैं। और ये साइड बाउंड्री है, ये अपने जो आपने देखा होगा साइड बाउंड्री लगती है उसके लिए यूज़ होता है। बाकी इसमें जीना रहता है, जीना वो अपने आप देख लीजिए सामने रखा हुआ है। ये अपनी मशीन कंप्लीट है, इसमें मोटर लगी हुई है पूरा, ये एक्चुअल क्या है ट्रांसपोर्ट पे जाने के लिए रेडी है अभी। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे मजबूती की बात करते हैं, अपना पूरा प्रॉपरली एक मजबूत पीस है। ये अपने जो फ्रेम बने हुए हैं इनमें अपना जीना फंस जाता है, देन उसके ऊपर रेलिंग आ जाती है। चलिए अब मैं बता देता हूँ आपको जैसे अपनी कमल जयमाला स्टेज का पूरा सेटअप इसका कैसा रहता है। इसमें अपना 5 फीट का प्लेटफॉर्म रहता है, वो पार्टी के ऊपर है, जैसे वो कस्टमाइज़ करवाना चाहती है तो कस्टमाइज़ हो सकता है। अब इसके अपार्ट में आपको बताना चाहूँगा, इसमें जैसे टोटल 27 पत्ते रहते हैं, साइड बाउंड्री के 9 पीस रहते हैं, जीना है, जीने की रेलिंग है, मशीन का कपड़ा रहता है। अब चलिए ये तो हो गया हमने लगाया हुआ है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जो फ्रेम बने हुए हैं ये इसके फ्रेम है कमल जयमाला स्टेज की। और अभी हमने अपनी ना विंटेज गाड़ी का ट्रायल लिया था, अभी इस पर बैटरी लगा के पूरा से चेक किया था, अभी ट्रायल हुआ है, यानी कि अभी सीट का काम इसका बचा हुआ है। चलिए अब मैं आपको ना मशीन का कपड़ा बता देता हूँ, मशीन का कपड़ा कैसा रहता है। अभी वो अंदर रखा हुआ है तो मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। बाकी अभी सेटअप ये लगे हुए हैं सब जाने के लिए। और ये अपना यहाँ पे दिल वाला पीस भी रखा हुआ है, ये बाकी पीस अपने पेंट हो रखे हैं अभी। और अगर अपने ट्रॉलियों का काम है तो ट्रॉलियों का भी काम इसमें चल रहा है। ये ट्रॉली बनी हुई है पिकॉक वाली, इसका भी मोटर की फिनिशिंग होगी, मोटर भी कनेक्ट होनी है। फ्लावर मशीन है, ये इसके अपना पाइप लगता है जो अपना कमल वाली मशीन के साथ जाती है, ये ब्लोअर बोलते हैं इसे। आइए अब मैं इसका कपड़ा और दिखा देता हूँ। ये गियर का स्टॉक रखा हुआ है, इसमें जो अपने गियर लगते हैं कमल वाली मशीन में। अब आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे अपना एक कपड़ा रखा हुआ है, ये जो सनील वाला कपड़ा बोलते हैं, सनील वाला कपड़ा है इसमें, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट रहता है। ये जो सोफे रखे हुए हैं अपने फेस वाली थीम पे लगते हैं, जैसे कि आपको मैंने दिखाया भी था लास्ट टाइम, ये अपना जो फेस रफ वाला थीम पे रखा हुआ है ये उसी पे रहता है। बाकी जैसे कोई पार्टी बोलती है कि हमें ऑर्डर करना है तो हमें ऑन कॉल पे भी या इवन गोडाउन पे विजिट करके भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और एड्रेस दोनों मेंशन है, आप इंक्वायरी के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।